मैं ऐसे करके छड़िया जो हजार रुपये की पर्ची का मैं क्या कट के लिया। मैं कहा जी मैं नहीं कर सकता, ये झूठा वादा मैं नहीं कर सकता। टिकट वास्ते पैसे मंगे गए? बिल्कुल, 4-4 करोड़ रुपया लेके लोगों को टिकटा दित्तियां। अज भी दे देन, अज भी दे देन, मेरे सामने बह गए भी जब दिल्ली दे विच 1000 रुपया नहीं दे सके, पंजाब च किवें दे देंगे? ये लोगों नूं मूर्ख बना रहे ने। मैं इसे करके छड़िया भी जदों 1000 रुपये की पर्ची का मैनू क्या कट के लिया। मैं कहा जी मैं नहीं कर सकता, ये झूठा वादा मैं नहीं कर सकता। टिकट वास्ते पैसे मंगे गए? बिल्कुल, 4-4 करोड़ रुपया लैके लोगों को टिकटा दित्तियां। और मैं 15 साल बीजेपी जे रहा, मैं घर वापसी की आ, मैं कोई गलत काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी का कोई कैंडीडेट ईमानदार नहीं गा? मैं ना जी तुम देख ही लेना कि रौला पैन दिया, इन्होंने सारे को पैसे लगे कि ईमानदारी कितने रह गई? ये तो पैसे इकट्ठे करके दिल्ली अपना घर भर रहे हैं। दो बहुत सीनियर लोग जिन्हों का अपने इलाके दे विच बड़ा अच्छा रिस्पैक्ट है, जनता च अपनी पैंठ है, वो भारतीय जनता पार्टी साढ़े शामिल हुए ने। एक गुरविंदर सिंह गोल्डी जी, ये कौंसलर ने राजा सांसी च, और मुखविंदर सिंह जी ये कौंसलर भी सबका सरपंच ने, इन्हां दे मिसिज भी जिहड़े ने वो उत्थे कौंसलर रहे ने, और इन्हां दे सिस्टर उत्थे कौंसलर रहे ने, ते अज पार्टी च आए ने। मैं इन्हां दा स्वागत करदा और पार्टी नूं एक नवा जिहड़ा है एक क्या कह सकते आपां एक बल मिलेगा पार्टी नूं। मैं इन्हां दा धन्नवाद भी करदा और स्वागत भी करदा। भारतीय जनता पार्टी पूरे इलैक्शन मोड च है, अज खुशी है कि डेली कोई ना कोई पार्टी दे विच सीनियर लोग, समाज दे कदवर लोग पार्टी शामिल हो रहे ने। अज भी साढ़े सबका सरपंच एम सी, इन्हां दी सिस्टर भी एम सी है मरखिंदर सिंह दी, और गोल्डी जी ये पार्टी च ज्वाइन किए ने, और साडा परिवार बढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पॉलिसी साडियां पॉजिटिव वे नाल असीं काम करनियां नहीं है। पंजाब अज सरकार बनाने लई असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, पहली बार अपनी सरकार बना दी, इस करके लोगों का जिहड़ा विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी दे विच है। मैं कल तो इत्थे कल्ले कल्ली कंस्टिट्यूएंसी दी मीटिंगां लै रहा, और अज शाम तक अमृतसर शहर दीआं 5 कंस्टिट्यूएंसियां ने इन्हां दीआं मीटिंगां पूरियां हो जाणगीआं। कार्यकर्ता पूरा जिहड़ा है जोश नाल इस इलैक्शन नूं लड़न लई तैयार है, और आस करते हैं कि कल तक साड़ियां सीटां भी अनाउंस हो जाणगीआं, ते उस तों बाद एक होर नवां उत्साह जिहड़ा है वह कार्यकर्ता च आएगा। देखो हर पार्टी का एक अपना CM का चेहरा अनाउंस करना ना करना वो हर पार्टी का पैरोगेटिव है, लेकिन मैं समझता डेमोक्रेसी च इलैक्टेड लोग, हले भगवंत मान तो MLA बने नहीं, इलैक्टेड लोग जिहड़े ने इलैक्टेड MLA वो अपना लीडर चुनते हैं, तो ठीक है उन्होंने अपना चेहरा अनाउंस किया है, और तुसी उन्हां बारे बड़ियां कहानियां बड़ियां स्टोरीज़ बड़ियां खबरां ला चुके हो, तुसी बैटर जानते हो कि उन्हां दा किरदार की है, किवें काम करते ने, की कहिंदे ने। मैं इस करके उत्ते ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना। ED रेड BJP की विंग नहीं है, वो ED एक सरकारी एजेंसी है, सरकार नूं पता लगा कि माफिया के इत्थे रेत माती पे पैसे बड़े कट्ठे कर रहे ने लोग, और 10 करोड़ की रिकवरी कोई छोटी रिकवरी नहीं हुंदी, एक रूटीन का ये रेड सी, और मैं समझदा कि सारा पैसा जिहड़ा सी इन्होंने इलैक्शनां ते लोगों ते लाणा सी, अज इस करके इन्हां नूं तकलीफ हुई है कि वो पैसा इन्हां दा पकड़ा गया।